आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने रूफटॉप गार्डन का एक ओवरव्यू दिखाऊंगी। इस समय मेरे गार्डन में ढेर सारे बोगनवेलिया के फूल आए हुए हैं। लेमन ग्रास, अनार और ये जो आप बोगनवेलिया देख रहे हैं, इसमें सिंगल फ्लावर हैं, बंच में फ्लावर्स नहीं हैं। ये मेरा गोल्डन बोगनवेलिया है। इसके अलावा मैं आपको अपने क्रिसैंथेमम भी दिखाऊंगी, जिसमें बडिंग स्टार्ट हो गई है। और इस समय मैं इनमें बोन मील, नीम की खली और डीएपी रेगुलर डालती रहती हूँ। देखिए, इनमें बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं और दिसंबर फर्स्ट वीक तक इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, लगभग सभी पौधों में कली आ गई हैं। ये मेरा टायर प्लांटर है, इसका भी वीडियो मैंने आपको पहले डाला हुआ है। इसमें मैंने कोलियस के कटिंग लगाए हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। बीच में मैंने एक वुडन बॉक्स में जेट प्लांट को लगाया हुआ है। ये मेरे वेरीगेटेड बोगनवेलिया का पौधा है, ये पिंक बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया में मैं वर्मी कंपोस्ट, मैंने में एक बार वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और 15 डेज में बोन मील और डीएपी डालती रहती हूँ। देखिए, पिंक, ऑरेंज, मैजेंटा, ये सारे बोगनवेलिया में फूल आए हुए हैं। नीचे मेरे ये क्रिसैंथेमम के पौधे हैं, जो मैंने कटिंग से तैयार किए हुए थे। ये टिकोमा हैं। ये ऑरेंज बोगनवेलिया, पीछे कनेर का पौधा है, ये देखिए। कुछ क्रिसैंथेमम के पौधों में तो फ्लावर्स आना स्टार्ट भी हो गए हैं। एलोवेरा, गुड़हल और चंपा इस समय काफ़ी अच्छे फूल दे रहे हैं। गुड़हल में मैं वर्मी कंपोस्ट और पत्तियों की खाद देती रहती हूँ और इस समय ये काफ़ी अच्छे फ्लावर दे रहे हैं।